हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं डीपी यार आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, तो आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, यहाँ पर 568 का जो सर्कुलर नंबर 568 का जो एरियर आ रहा है, उसके रिलेटेड मैंने पीछे दो वीडियो डाली हैं, तो उस पर बहुत सारी कमेंट ऐसी आई कि सर, मेरी यहाँ पर जो सर्विस ईयर है वो 17 साल है, मैं एयरफोर्स से हूँ, मैं नेवी से हूँ, या इतना ईयर है मुझे बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपसे इस बात के लिए क्षमा चाहूँगा कि सभी लोगों का यहाँ पर बताना, पूरा सूबेदार मेजर तक या लेफ्टिनेंट कैप्टन तक, यहाँ पर ये सारी चीज़ सबको बताना फ्रेंड्स, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। मैं वैसे कोशिश करूँगा कि मैं सबका यहाँ धीरे धीरे करके ऐसे बताऊँ एरियर कि कितना आया है कुल टोटल, लेकिन इतना जल्दी नहीं बता सकता कि एकदम फटाफट से मैं वीडियो बना के दे दूँ कि लो ये आपका है। तो उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और वो कैलकुलेशन कैसे होती है उस चीज़ को मैं यहाँ आज आपको समझा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी है। मेहनत क्या करनी है? वो 3-4 पेज या सर्कुलर डाउनलोड करनी है, वो उनसे मैच करना है आपका जो यहाँ पर बेसिक है पेंशन का, और उसका मैं एक फार्मूला बता देता हूँ। वो फार्मूला में उसको फिट करना है, और उसके बाद में आपका टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। एक मैं मैनुअल बताऊंगा, एक यहाँ मैं साइड से जाके बताऊंगा। तो दोनों ही पैटर्न सरल हैं, बहुत ही सिंपल हैं, आप लोग जल्दी फटाफट देख लीजिए। तो देखिए, स्क्रीन पर जैसे कि हम लोग चल रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है? ये मैंने सर्कुलर नंबर 547 नंबर डाउनलोड किया है, और ये सर्कुलर नंबर मैंने 430 डाउनलोड किया है, और ये सर्कुलर 501 डाउनलोड किया है, और ये सर्कुलर नंबर 568 डाउनलोड किया है। अब यहाँ पर हम कोई एक रैंक पकड़ लेते हैं, जैसे कि 17 साल नायक सर पकड़ लेता हूँ बाई ग्रुप के। तो 17 साल बाई ग्रुप के नायक सर हैं, इनका जो पेमेंट है वो 4194 यहाँ से उठा लिया। लिखते जाना आप लोग अपना, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं वो अपना लिखते जाना यहाँ से देख देख के, या फिर आपका नीचे आ रहा है इधर और है कुछ तो वो PDF आपको मिल रही है तो ठीक है, सर्च कर लेना यूट्यूब पर ऐसे करके। ये जो साइट दी है ना, इससे आप लोग सर्च कर सकते हो, ये जो साइड दी है इससे सर्च कर सकते हो, ये जो साइड दी है इससे सर्च कर सकते हो, ये दो साइड दी है, ऐसे करोगे सर्च तो वो सीधा डायरेक्ट आप PDF पे पहुंचोगे। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले हमने ये 17 साल के नायक सर ले लिए, 22 बाई ग्रुप के 4194 रुपये मिल रहा है। इसके बाद में यहाँ पर हमें दूसरा है, तो ये है आपका 430 में मैं 17 साल का यहाँ पर पकड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है 5038, मतलब 5038 रुपये, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर से करो ना, 501 में हमें यहाँ पर 17 साल के ही बाई ग्रुप के, मतलब बाई ग्रुप के यहाँ ऊपर देखिए आप लोग ज़रा, ऊपर नायक सर हैं 17 साल के हैं, तो यहाँ पर इनको जो पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है आपका 5500 बाई ग्रुप के, ये 5568 रुपये। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 5568 रुपये आपको नोट कर लेने। इसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पर सर्कुलर नंबर 568, तो सर्कुलर नंबर 568 में यहाँ पर नायक हैं, तो इनको यहाँ पर बाई ग्रुप में इनको जो पैसा मिलने वाला है, ये मिलने वाला है 5820 रुपये, 5520 बाई ग्रुप का है ये 5520 नायक सर, हाँ। तो ये देखिए यहाँ पर ये इनको जो भी है 5520 रुपये इनके सर्विंग पर्सन के हैं, और इनहेंस जो रेट है वो भी इनका 5520 ही है। ये देखिए नायक सर हैं इधर, ये यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था मैं, ये यहाँ पर 5520 रुपये हैं 568 नंबर के सर्कुलर में, जो कि यहाँ पर मैंने डाउनलोड करके रखा है, ठीक है। बड़े आपको भी चाहिए तो ये साइड आपको पूरी डाल देनी है, उसके बाद इंटर कर देना तो आपको भी मिल जाएगा वो। अब हमने ये चारों नोट कर लिए, अब इनको नोट करके हमें जो फॉर्मूला सीट मैंने बनाई है आप उस पर चलिए, तो उस पर हम लोग अभी चलते हैं। तो चलते हैं उसके ऊपर, ये सीट मैंने यहाँ तैयार करी है आपके लिए। अब हम लोग यहाँ से चले जाते हैं आपका, देखते हैं इसको बड़ा करके जूम करके, तो कैलकुलेशन ऑफ 568 सर्कुलर नंबर के कैसे करना है हमको, तो उसके लिए क्या क्या चाहिए वो मैंने लिस्ट बना दी है कि आपको यहाँ पर सर्कुलर नंबर 547 चाहिए,
और सर्कुलर नंबर आपको 430 चाहिए, सर्कुलर नंबर आपको 501 चाहिए, फिर सर्कुलर नंबर आपको 568 चाहिए। आफ्टर इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे लगाया है, तो ऐसे करके आप लोग बना लेंगे कागज़ पर। ए नंबर है यहाँ पर नायक सर हैं, 70 साल का है, 4194 रुपये, 547 सर्कुलर नंबर है। डेट यहाँ पर 1/1/2006, ये डेट काम में आएगी आपको, मैं आगे चल के देखना जब मैं दूसरा मेथड बताऊँगा ना ऑनलाइन तब उसमें। अभी यहाँ बी नायक सर 17 साल, 5,38 रुपये और यहाँ पर 430 सर्कुलर नंबर। अभी सी डाल देना है हमें कौन सा, ये है 5,5568 रुपये और 501 सर्कुलर नंबर। इसके बाद में यहाँ पर ये डी है, तो ऐसे करके ए बी सी डी। अभी ये 17 साल नायक सर और 5,520 रुपये और 568 ये सर्कुलर, यहाँ सारे सर्कुलर हो गए, ये पूरा यहाँ पर पैसा हो गया, ये ईयर हो गए किस ईयर में इनको ये सर्कुलर आए थे, ये भी ज़रूरी है, ये आगे जाके आपको काम आएगा इनका। इसके बाद में यहाँ पर फ्रेंड्स इसको हम लोग ये 30/9/2016 में आया है ये जो अभी लास्ट वाला है 568 वाला। अब यहाँ पर क्या है कि जो एरियर है कैलकुलेशन फॉर्मूला है उसको हमको बता देते हैं आपको। यहाँ पर डी जो आपका डी था ना उसमें से ए को माइनस कर देना है, तो 5,520 में से 9,194 रुपये गए, तो यहाँ पर 1,326 बचे और उसमें 46.02 का गुणा करके 61,023 रुपये आए, ठीक है ना, 61,023 रुपये निकल गए। अब यहाँ डी माइनस बी करोगे तो 5,520 माइनस 5,538 482 इंटू 57.62, तो कुल मिला के यहाँ पर 27,773 रुपये निकल के आएंगे। इन दोनों को हम लोग यहाँ पर अब तीसरा डी माइनस सी भी करेंगे, डी ए हो गया, डी बी हो गया, डी सी हो गया, तो 5,520 में से 5,568 गए तो माइनस के 48 रुपये आएंगे जो कि हम यहाँ इसको जीरो मानेंगे। अभी इसके बाद में यहाँ पर इन दोनों का जोड़ कर देंगे, मतलब बोले तो ये जो दोनों का ये जो कैलकुलेशन आई है इन दोनों का जोड़ कर देंगे, ये मतलब 61,023 और 27,773 का, तो पैसा बनेगा 88,796। तो इस तरीके से फ्रेंड यहाँ पर ये हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर अब ऑनलाइन कैसे करना है, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं यहाँ पर साइड पर, और वो साइड ये है, आपको सबसे पहले सर्च करना है, क्या करना है सर्च, आप लोग करेंगे DL33 ईयर्स कैलकुलेटर फॉर pre-2006 डिफेंस पेंशनर, इस तरीके से आपको कर लेना है सर्च। सबसे पहली जो लिंक आएगी वो यही आएगी, 7thpaycommission.in वाली, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आओगे आप, इस तरीके से देखो ऐसे 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 नीचे आओगे यहाँ पर, तो इस तरीके से ये कैलकुलेटर आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपको सेलेक्ट योर फोर्स, आर्मी में हो, नेवी में हो, एयरफोर्स में हो, जिसमें उसको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आर्मी में बाई ग्रुप का है, तो यहाँ पर 1/1/2006 का जो है पेमेंट वो हमने डाल लिया, एक ऐसे ही आप लोगों को डालना है 4,194, और यहाँ पर 1/1/2009 को डाल दिया यहाँ पर 5,038, और यहाँ पर ये 24/9/2012 है, इसको आप थोड़ा ध्यान से समझ लेना, वो 1/1/10/2012 नहीं है। तो यहाँ पर 5,568 रुपये यहाँ पर इनका आ गया। तो कैलकुलेट जैसे ही करोगे आप लोग और नीचे करके ऐसे जाओगे, नीचे करके देखोगे, जैसे मैं देखो पहले ऊपर कैलकुलेट करके यहाँ से आया हूँ, मैं ऐसे करके नीचे जाऊँगा, नीचे जाऊँगा, नीचे जाऊँगा, ये 33 साल का इन्होंने दे दिया। ऐसे डी लिंकिंग ऑफ रिवाइज पेंशन फ्रॉम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 33 ईयर्स, तो ऐसे करके नीचे जाएंगे हम लोग, तो ये यहाँ पर योर रिवाइज पेंशन एंड एरियर्स डिटेल। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल ये मिनिमम पेंशन है इस पर 568 का है, 5,520, और एरियर फ्रॉम 6/2009 तक यहाँ पे 61,023 हैं, 61,023 रुपये। अभी यहाँ पर इन्होंने 2009 से 2012 तक यहाँ पर 27,797, और ये जो माइनस निकल के आया ना वो चीज़ यहाँ पर ये निकल के आई है, तो उन्होंने इसको जोड़ने के बाद में जो हम जो जोड़ा है और जोड़ने के बारे में इतना इसको घटा दिया है, ये जोड़ा है इन्होंने, जोड़ने के बाद में इसको घटा दिया, तो ये 86,912 रुपये दे रहे हैं। तो फ्रेंड थोड़ा सा अंतर आता है 1-2 हज़ार रुपये का, तो आप लोग जैसा मेथड आपको अच्छा लगे, सरल लगे, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये सिंपल है, वहाँ थोड़ा सा माथापच्ची करनी है, घटाना है, जोड़ना है, तो इस तरीके से थोड़ा सा वो कठिन लग रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ कि अब बहुत सारे जो अभी नई वीडियो देख रहे हैं इसको, वो कहेंगे कि इसको हम लोग कैसे चेक करें कि
मतलब ये कैसे चेक करें कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। देखो अभी यहाँ पर जिनका भी, जैसे मान लीजिए हम लोग ये आर्मी की ले रहे हैं, आर्मी की, अभी देखिए जिनका भी यहाँ पर देखो, सिपाही, नायक, हवलदार, नायक सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर और हॉर्न लेफ्टिनेंट साहब और कैप्टन साहब, देखिए जिनका भी यहाँ पे रिवीजन इसके बराबर हुआ है, बिल्कुल आप अपना पीपीयू नंबर उठा के देख लेना कि आपका यहाँ पर इस तारीख में जो 1/1/2006 में यहाँ पर जो रिवीजन हुआ है वो आपका बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जैसे होना चाहिए था, या आप यहाँ पर 2016 की पासबुक की 17 की एंट्री भी देख सकते हो, उसमें डी लिंक के नाम से आ रहा है। अगर आपका इसके बराबर ही यहाँ पर बेसिक पे आया है, पीपीओ आप लोग चेक कर लेना, तो अगर वो इसके बराबर आया है बिल्कुल, तो आपको आपका जो रिवीजन है वो सही हुआ है। और यदि मान लीजिए इससे कम आया है, इस टेबल से कम आया है, तो फिर मित्रों फिर यहाँ पर आपको पीसीडीओ को शिकायत करने की ज़रूरत है। आप सीपी ग्राम वगैरह डाल सकते हो और अपनी शिकायत दर्ज करके अपना जो पैसा है वो ले सकते हो। तो ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। आपसे अगली वीडियो फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।